एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग को हेयर कट बताने वाली हूँ। फुल लॉन्ग हेयर कट की कटिंग कैसे करनी है, हेयर की कटिंग, तो पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। फ्रंट बैंक भी बहुत ही खूबसूरत सा बैंक इस टाइप से कैसे कट होता है वो मैं बताने वाली हूँ, और बैक से बहुत लॉन्ग हेयर है उनको कट करके दिखाऊंगी। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे व्यूवर्स ने पूछा था कि मैम आपने कौन सा ट्रिमर लिया है और उसका नंबर क्या है वगैरह वगैरह, तो आज मैं सब कुछ बता रही हूँ। मैंने लिया है नोवा का ट्रिमर। इसे कैसे यूज करते हैं मैं अपनी बेबी के हेयर पे कट करके यूज करके दिखा दूंगी, उनके गर्दन के पास के हेयर्स और ईयर के पास के कैसे ट्रिम करने हैं वो सब करके दिखा दूंगी, तो आप देख लेना। तो मैंने लिया है नोवा का हेयर, आप देख सकते हो इस टाइप का है, और इसका मॉडल नंबर है ये रहा 3791 का मॉडल नंबर है 3791। ओके, नोवा का ट्रिमर है, काफ़ी अच्छा है, इस टाइप का है ये अंदर से, आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर आई थिंक दिख रहा हो 3791। ओके, तो इसको ऑन कैसे करना है, तो ईजिली आप यहाँ पे आपको चार्जर दिया होगा, ये चार्जर यहाँ पे इन करना है और ये चार्ज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच दिया है, इसको ऑन करेंगी और यहाँ पे थोड़ा सा है इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। अभी मैं ऑन करके देखिए, जब भी आप इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करना है, स्विच को ऐसे ऑफ हो गया, और फिर इसको पूरा ऊपर तक ले जाइए तो ये ऑन हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगा। और बहुत ही इजीली जैसे इसको यूज करने के लिए क्या होता है, इसका जो ये चीज़ है इस पर एकदम हल्के से बाल को टच करते हैं तो ये काट देता है। दबाव डालेंगे तो हेयर कट नहीं होंगे, एकदम हल्का हल्का ऐसे टच कीजिए, इजीली हेयर को कट करते जाता है। तो इसको यूज कर कैसे करना है वो आप देख लीजिए, फिर हेयर कट देख लीजिएगा लॉन्ग वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपनी बच्ची के हेयर को ट्रिम करके दिखाया हुआ, तो प्लीज़ चेक देख लीजिएगा पूरा वीडियो, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा अच्छे से देखने के लिए। ओके, बहुत ही अच्छा साउंड है इसका, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है मेरी बेटी, इनका मैं पहले कैंची से जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको कट कर देंगे, उसके बाद आप ट्रिमर को ऑन करके जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, आप नेप से में कहते हैं उसको, आप उसको ट्रिम कर लीजिए, और कान के पास के हेयर को कैसे कट करना है वो सब आप वीडियो में देख लीजिए। तो इस तरीके से मैं पहले मतलब एक बराबर लाइन सी बना दे रही हूँ हेयर कट करके। अगर आपकी भी छोटी बच्ची है और पहले काफ़ी टाइम से बॉय कट रखती है और इस टाइप से आप कट करोगे तो गर्ल्स टाइप का लुक भी आ जाएगा और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, तो आप इस तरीके से उनका भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने बराबर यहाँ पे कट कर दिया है। उसके बाद से ट्रिम को लेकर, ट्रिम को एकदम दबाव नहीं देना, एकदम हल्के हल्के हाथों से ऐसे बस टच करते जाइए हेयर में, तो आपका ईजिली सेव हो जाएगा और बहुत अच्छे से कट भी हो जाता है हेयर। तो ट्रिमर देख के लगता है कि दबाना पड़ेगा तब जाके होगा, लेकिन एकदम बस हल्का सा हेयर को टच करना है और आपका ट्रिम हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है पीछे से, ये बहुत ज़्यादा हिला रही थी ऐसे गर्दन कभी इधर, बस बहुत छोटी है, डर लग रहा होगा इसलिए हिला रही थी। तो इस तरीके से कट करना है। अभी कान के पास के हेयर को कट करके दिखा देती हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप भी ट्रिम कर सकते हो वीडियो देख देख के। अगर आप गर्ल्स हो, पहली बार आप ट्रिमर का यूज कर रहे हो, तो आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अभी फ्रंट से इस तरीके से हेयर को करेंगे और एक लाइन सी शॉर्ट बैंग्स कट टाइप का कर देंगे, ईयर के पास के हेयर को पूरा कट करके वहाँ पे ट्रिम कर देंगे। ये बहुत शरारती है, मेरा सारा मेकअप प्रोडक्ट लेके अपनी आँखों पे लगाते रहती है। इसके आँखों पे आप देख सकते हैं, अभी मैं इसका हेयर कट करके इसको नहलाने लेके जाऊंगी। तो इस तरीके से कान के पास के भी हेयर को इस तरीके से कट कर लीजिए गोलाई में। ओके, कान के पास के हेयर अच्छे से कट कर देने चाहिए बच्चों के, क्योंकि कान पे लड़ता है, बहुत नाजुक होती है बच्चों की स्किन। तो इस तरीके से कट कर दिया है, और अभी मैं ट्रिम करके भी दिखा देती हूँ। और ये खत जो होता है एक्स्ट्रा लॉन्ग है, इसको भी कट कर देते हैं। ओके, तो ये कट हो गया, अभी ट्रिमर लेना है। अच्छे से आप अपनी गोलाई दे दीजिए, जैसे भी मतलब आपको करनी है कटिंग दोनों साइड से अच्छे से। मैंने यहाँ पे स्पीड कर दिया था ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए वीडियो,
बाकी आपको अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। वैसे तो समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं है, बस लाइनिंग कैंची से बराबर लाइन कट करके और जितना आपने कैंची से कट किया था उसके नीचे एकदम अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए ट्रिम कर देना है तो हो जाएगा। तो दूसरी साइड भी इस तरीके से आपको कट कर लेना है। आराम आराम से करिएगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सिर को हिलाते हैं और इधर उधर कैंची ना लग जाए, उनकी स्किन भी बहुत नाजुक होती है, तो सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद इसे कट करना है। ओके, तो ये हो गया कटिंग। ओके, अभी ट्रिमर लेके आप ईयर के पास के भी हेयर को ट्रिम कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा आपके बच्चों का। तो इस तरीके से कट कर लेना है और अच्छे से स्पंज में पाउडर लगा के गर्दन के पास के हेयर को साफ कर दीजिए ताकि बच्चों के कपड़ों में ना चले जाए और चुभे ना, और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हेयर लगे उसको ट्रिम कर लीजिए। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी चलते हैं लॉन्ग हेयर कट की तरफ। ब्यूटीफुल सा बैंग्स हेयर कट हुआ है इन ये लड़की जो आई थी हमारे पास हेयर कट कराने उनका, तो आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो। ओके, ये देखिए ईयर के पास इस तरीके से ट्रिम कर लेना है। तो ये हो गया। अब ये हैं जिनका हेयर कट करना है, तो बैक से मैं कैसा कट कर रही हूँ आप वीडियो देख लीजिए। तो इस टाइप के हेयर है, काफ़ी अच्छे हेयर थे। तो ये है इनका हेयर जो कि लंबे बालों वाली लड़की का हेयर कट, इनका बैंग से हेयर कट बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ था, तो कैसे किया मैंने वो आप देख लीजिए वीडियो में। तो पहले बैक से हेयर कट करनी है, तो मैंने यहाँ पे कटिंग सीट लगा लिया है और अपने हर कटिंग में बालों को गीला करती हूँ, तो आपको भी पहले बालों को गीला कर लेना है। गीला करके बालों की कटिंग अच्छी आती है, जब वो सूखते हैं तो परफेक्ट दिखती है, इसीलिए मैं बालों को गीला करती हूँ। ओके, तो ये हो गया अच्छे से, इनके बाल पहले से ही सुलझे हुए थे, ज़्यादा सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ी और अच्छे से कटिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो बहुत पतले हैं वैसे बाल, लेकिन सॉफ्ट हैं, शाइनिंग हैं, स्ट्रेट हैं, अच्छे लग रहे थे। तो इस तरीके से पहले बालों को की कटिंग करेंगे, वो अच्छे से सुलझाएंगे, उसके बाद इनकी लेंथ इनसे पूछ लीजिए कि कितनी चाहिए आपको, जितना कस्टमर बोलता है उतनी ही लेंथ कटिंग करनी है। तो बीच की पहले मांग निकाल लेंगे। ओके, बीच की मांग निकालने के बाद से अच्छे से फिर से सुलझा लेंगे बालों को। ओके, तो इस तरीके से सुलझाना है। जो आगे का जो ईयर टू ईयर पार्टिंग करते हैं उसको आगे कर देंगे हेयर को दोनों साइड से, उसके बाद बैक साइड का जितना आपको लेंथ निकालना है हल्का सा यू शेप में करते हुए कट करेंगे। फिर आपको जो आगे वाला आपने हेयर कट किया है, सॉरी ईयर टू ईयर पार्टिंग करके जो हेयर को आगे किया है उसको बैक ला के फिर कट करेंगे तो डीप यू हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, अब वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से ऐसे हल्का सा कैंची को घुमाते हुए कट कर लेना है और कॉम करके चेक कर लीजिए अच्छे से हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ तो और कट कर लीजिए। फिर यहाँ से गाइडलाइन लेते हुए बराबर करके एकदम इस टाइप से कट कर देंगे और फिर फ्रंट वाले हेयर को बैक साइड में लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस बहुत ही ईजी तरीका बताती हूँ मैं अपने चैनल पर हेयर कटिंग का। अब ये देखिए ये वाले हेयर हैं, अब इससे इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तिरछा कैंची करके इस तरीके से कट करेंगे, ज़्यादा डीप भी नहीं किया है, लाइट यू कट बोलेंगे इसको। अब दूसरी साइड भी इसी फ्रंट वाले हेयर को बैक लेके आएंगे और कट करेंगे। ओके, और फ्रंट बैंग्स कैसे कट करना है वो भी बता देती हूँ मैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा यू कट आया है। फिर फ्रंट वाले हेयर को बैक साइड लेके आएंगे और जो हमने कट किया था उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से हेयर को कट कर देंगे। ओके, ओके, दोनों साइड से इक्वल कर लीजिए, चेक करके बार बार कॉम करके अच्छे से चेक कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा यू कट आ चुका है हमारा और बहुत आसानी से आप कट कर लोगे इस तरीके से। तो मैं अच्छे से चेक कर रही हूँ, जब तक आपको परफेक्ट फिनिशिंग ना मिल जाए तब तक आप ऊपर नीचे चेक करके और बार बार कटिंग करते रहिए। ओके,
तो इस तरीके से मैं बार बार चेक करके और कटिंग करते जा रही हूँ। आप भी अपना जहाँ से आपको फिनिशिंग पूरी गुलाई ना आ जाए हेयर की यू कट में, तब तक आप कट करते रहिए। तो अभी मैं आपको इनका फिनिशिंग लुक दिखा देती हूँ पीछे का बैक से। ओके, तो ये पीछे का कटिंग लगभग डन है, तो आप देख लीजिए दोनों साइड से इनके हेयर और ये बैक से। ओके, चलते हैं फ्रंट बैंग्स की तरफ, बैंग्स कट कैसे करना है। तो बैंग्स कट करते इनको मतलब लॉन्ग में चाहिए था दोनों साइड से, जैसे पूरा पफ बनाने के लिए चाहिए था, बड़ा सा पफ बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेनी है पहले। ओके, ईयर टू ईयर इस तरीके से पार्टिंग लेके और ब्यूटीफुल सा बैंग्स कट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे दोनों साइड से और हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट में लेके जाएंगे और साइड मांग करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए दोनों साइड से ईयर टू ईयर पार्टिंग, पहले एक साइड से ईयर टू ईयर पार्टिंग ले जाएंगे, सॉरी एक साइड से बीच की मिडिल पार्टिंग निकाल के ईयर तक पार्टिंग लेके इस तरीके से स्ट्रेट लेके जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे और फिर दूसरी साइड भी मिडिल पार्टिंग से ईयर तक पार्टिंग ले लेंगे। और जो हमने इधर वाला फ्रंट में जो कट किया था उसका थोड़ा सा पार्ट लेके गाइडलाइन ले लेंगे और गाइडलाइन इस तरीके से लेके, और गाइडलाइन छूटते ही आपको वहाँ से ये देखिए गाइडलाइन हमारा छूटेगा और वहाँ से ही कट कर देना है। ठीक है, गाइडलाइन के जस्ट पास से कट कर देना है और ये इनका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। तो आपको भी अगर इस तरीके का बैंग्स कट करना है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है गाइस, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सको। तो ये था इनका फाइनल लुक और कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना तो बता दीजिएगा। ओके, तो अच्छा लगा हो वीडियो और ये ट्रिमर कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।